हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल राहुल। गाइस, मेरा नाम राहुल रहा है और आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि डिस्कवरी ऐड क्या है और डिस्कवरी ऐड हम कैसे बनाते हैं। अभी क्या है, लोग गूगल पे चीज़ें सर्च ना करके यूट्यूब पे भी सर्च कर रहे हैं, बिकॉज यूट्यूब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि डिस्कवरी ऐड क्या है और डिस्कवरी ऐड कैंपेन हम कैसे बनाते हैं एडवर्ड में। किसी भी रिलेटेड आपका चैनल है और यूट्यूब पे किसी ने सर्च किया तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब के टॉप 2 और 3 कुछ एड्स आपको देखते हैं, वो डिस्कवरी ऐड होता है, उसको ट्रू व्यू ऐड भी कहते हैं। इस ऐड का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो बंदा अगर कोई टर्म सर्च कर रहा है यूट्यूब में और अगर आपका ऐड दिखा, अगर वो इंटरेस्टेड है तो आपके उस ऐड को क्लिक करके आपके चैनल पे जाएगा और आपकी वीडियो जो देखेगा और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा अगर आपकी वीडियो उसको अच्छी लगी तो। तो इससे क्या है कि आपको ट्रू व्यूज़ मिलेंगे और एक जेन्युइन सब्सक्राइबर भी मिलेंगे। आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये चीज़ें आप खुद से करना सीख जाएंगे कि कैसे डिस्कवरी ऐड बनाएंगे। तो गाइज़, आपको अपना एडवर्ड का अकाउंट जो है साइनअप करना होगा। अगर आपका अकाउंट साइनअप नहीं है तो साइनअप कर लीजिए, अगर साइनअप है तो साइन इन कर लीजिए। इस तरह से लेआउट आपको दिखेगा ऐड पे, आपको क्लिक करना होगा कैंपेन पे। कैंपेन पे क्लिक करने के बाद इस तरह के ऑप्शन आपको आएंगे। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रोडक्ट एंड ब्रांड पे, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, डिस्प्ले एंड वीडियो का। आप वीडियो पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा, ऐड सीक्वेंस, शॉपिंग, आप इन्फ्लुएंस कंसीडरेशन कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि आपका जो है ऐड डिस्कवरी ऐड पे देखेगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना कैंपेन नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा है वीडियो कंसीडर, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कैंपेन नेम अपना डिस्कवरी ऐड डेमो। मैंने यहाँ पे अपना कैंपेन नेम दे दिया, मैक्स सीपीवी का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 व्यूज़। अब 1000 व्यूज़ आएंगे आपकी वीडियो पे तो उसका पे कितना करना होगा, ये मतलब इसका होता है। आपको कैंपेन टोटल यानी टोटल जो आपका बजट है कितना खर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं अपने टोटल बजट पे खर्च करना चाहता हूँ 5000 रुपीज़, ठीक है। 5000 रुपीज़ करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा डेट किस डेट से स्टार्ट होगा। जैसे आज 15 सितंबर है, 15 डेट कर दिया, एंड कब करना है 15 से मेरे को ख़त्म करना है इसको 25 तारीख तक इस ऐड को ख़त्म करना है, यानी 454 रुपये डेली बजट आपका पड़ेगा इससे, ठीक है। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पे नेटवर्क में आए। अब यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, ये जो है यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है, यूट्यूब सर्च, यहाँ पे डिस्कवरी में दिखेगा। यहाँ पे आप अपने वीडियो चैनल पे देख या और अदर व्यूज के जो इन स्ट्रीम ऐड डिस्कवरी ऐड है वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो आप इसको तीनों सेलेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़। और उसके लिए यहाँ पे लैंग्वेज आ रहा है, लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हिंदी लेना है, इंग्लिश लेना है, जो भी आप चाहे ले सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप जिस भी लैंग्वेज के लोगों को दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। इंग्लिश करना है तो आप इंग्लिश कर दीजिए यहाँ पे, और हिंदी करना है तो आप हिंदी कर सकते हैं यहाँ पे। आप सेलेक्ट करके ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज आप जिसको भी चाहते हैं दिखाना। बाकी आपको कहीं पर कुछ नहीं करना है, ये वीडियो ग्रुप हो गया, ये हो गया, बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करना आपको, ऐसे छोड़ देना। आप चाहें तो आप कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कीवर्ड ऐड यहाँ पे जो भी आपका कीवर्ड है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट या बिजनेस से रिलेटेड। टॉपिक यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पे आपको दिखाना ऐड चाहते हैं, जिस भी टॉपिक यहाँ पे जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे उस टॉपिक के चैनल पे, उस टॉपिक की वीडियोस पे आपके ऐड जो है शो होंगे, ठीक है। प्लेसमेंट अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चैनल्स पे, यूट्यूब के किसी पर्टिकुलर चैनल पे ही आपका वीडियो दिखे तो आप यहाँ पे चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट पे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप फर्स्ट टाइम रहने ऐड कर रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, आप पूरा डेटा गैदर कीजिए उसके बाद डिसाइड कीजिए। आप मैक्सिमम सीपीवी बिट क्या रखना चाहते हैं, मतलब पर 10,000 व्यूज़ जो हैं आप कितने पे देना चाहते हैं, ये सीपीवी का मतलब होता है कि कॉस्ट पर व्यू कितना देना चाहते हैं आप, ये मतलब एक व्यूज़ के कितने कॉस्ट आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप 0.40 पैसे कर दीजिए मिनिमम। अब यहाँ पे आपको अपना YouTube का URL देना होगा, उठाया और यहाँ पे जो भी आपका URL वीडियो का चैनल होगा आप यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड फॉर्मेट जो होगा स्ट्रीम। यहाँ पे देख रहे हैं आपका इस तरह से दिख रहा है,
यहाँ पे हेडलाइन आप डाल दीजिए जो भी आपको डालना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन रहेगा, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन रहेगा, और यहाँ पे देखिए इस तरह का आपका 10,000 से 34 के व्यूज़ आपके जो हैं आपको मिलेगा आपकी वीडियो पे, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू आप कर दीजिए।